खीर बनाने के लिए दोस्तों मैंने लिए हैं 100 ग्राम टुकड़ा चावल और इसको हम दो बार ही अच्छे से धो लेंगे और इसको हम सोक कर देंगे, यानी कि इसको भिगो के रखेंगे 20 से 30 मिनट तक। और ये चावल बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं हमें खीर बनाने के लिए। और मैंने यहाँ पर ले लिया एक खुला सा नॉनस्टिक की पैन, और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एक कढ़ाई भी ले सकते हैं। और सबसे पहले मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला है और अब मैं इसमें 1 लीटर कच्चा मिल्क ऐड कर रहा हूँ। और ये फुल क्रीम मिल्क है, ये इजीली आपको शॉप्स में मिल जाएगा पैकेट वाला। और अब आपको इसको मीडियम फ्लेम पर उबालना है, और जैसे ही आपका दूध उबल जाए तो आप एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा केसर डाल लें और उसी में थोड़ा सा मिल्क ऐड कर लें और इसको हम लास्ट में इस्तेमाल करेंगे। और अब हम ऐड करेंगे अपने उबले हुए दूध के अंदर राइस को। राइस का सारा पानी मैंने निकाल लिया दोस्तों और ये अच्छे ढंग से फूल चुके हैं और अब इसको हम ऐड करेंगे। और अब सबसे बड़ी मेन क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है, जब हम इसके अंदर राइस को ऐड करते हैं तो इसका नीचे लगने का भी खतरा ज़्यादा बन जाता है। तो हम एक स्पैचुले की मदद से इसको एक एक दो दो मिनट के गैप में चलाते रहेंगे और इसको काढ़ना है, पकाना है, इसको रिड्यूस करना है अपने मिल्क को, और इसको कम से कम 20 से 25 मिनट तक आपको ऐसे ही काढ़ते रहना है। और जैसे ये थिक हो जाए उसी टाइम आपने इसके अंदर 5 टेबलस्पून शुगर ऐड करना है। और शुगर आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप अपने हिसाब से शुगर ऐड कर सकते हैं। और इसको हमें 5 मिनट तक और पकाना है। और इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ बादाम और इसके मैंने छिलके उतार दिए हैं। और आप अपनी मनपसंद के अकॉर्डिंग टू अपने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं और इसको हम मिक्स कर लेंगे। और याद रखना है दोस्तों, इसको हमने मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है, हाई फ्लेम पे मत पकाना। और हम ये 4 इलायची ले लेंगे, इसको हम कूट लेंगे अच्छे तरीके से। और जब इसके अंदर आप ऐड करोगे तो मैं इसके अंदर छिलके के समेत इसको ऐड कर रहा हूँ, ये आपकी मर्ज़ी, आप इसके बिना भी ऐड कर सकते हैं, बट छिलके के अंदर अच्छा फ्लेवर होता है। और अब हम इसको फिर दोबारा मिक्स कर लेंगे 2 से 4 मिनट तक। और अब हमें ऐड करना है 1 कप मिल्क मेड, इसे कंडेंस मिल्क भी कहते हैं। और इसे ऐड करते एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसके अंदर भी काफ़ी मीठा होता है, सो अपने हिसाब से ही इसको डालें। और अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक। और जो दूध साइड साइड पे चिपक गया है, यानी कि मलाई चिपक गई है, उसको एक स्पैचुला की मदद से उतार लेंगे। और इसमें हम ऐड करेंगे अपने केसर वाले दूध को, जिसको हमने पहले गर्मा गर्म एक कटोरी में निकाल लिया था। और इस प्रोसेस के बाद आपकी खीर ऑलमोस्ट डन है और आपको इसको 5 से 7 मिनट तक अभी और पकाना है। और आप इसको गर्म भी सर्व कर सकते हैं और ठंडा भी सर्व कर सकते हैं। और प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कि आपको कैसी लगी है हमारी डिश।